हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कुड नॉट बी ड्राइव फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था बच्चों? तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया कि भाई एक इस तरीके से कोई भी उन्होंने क्या करे, गोल्ड फॉइल ली है ना, गोल्ड फॉइल ले ली एंड उसकी थिकनेस रखी उन्होंने क्या 100 नैनोमीटर के अराउंड। किसके अराउंड? 100 नैनोमीटर के अराउंड। अब उन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराया इसके ऊपर। तो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, जब उन्होंने ऑब्जर्व करा तो कुछ अल्फा पार्टिकल क्या थे, देखो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे, सीधे निकल जा रहे थे। क्या कर रहे थे? मैक्सिमम सीधे निकल गए एंड कुछ अल्फा पार्टिकल हल्के से डेविएट हो गए इस तरीके से, एंड कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरीके से क्या हुआ बच्चों, सीधे जाके और वापस इस तरीके से इसी में वापस आ गए। ठीक है, तो क्या था, तो उन्होंने इस तरीके से क्या कंक्लूजन निकाले कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है एटम के अंदर एम्प्टी होता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे। ठीक है, तो ये क्या था, बिल्कुल सही है भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10^-10 मीटर वाइल दैट ऑफ द न्यूक्लियस इज 10^-15 मीटर। तो न्यूक्लियस क्या था बच्चों, बहुत ही स्मॉल था, क्योंकि क्या था कि आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल जब बॉम्बार्ड हुए तो उनमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, कंप्लीटली डिफ्लेक्ट होकर आया 180 डिग्री पर। ठीक है, तो उससे उन्हें लगा कि भाई बहुत ही छोटे एरिया में कोई न्यूक्लियस है जिसपे की पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो उसने अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने जब इसकी कैलकुलेशन करी तो एटम की जो रेडियस निकली वो 10^-10 मीटर एंड न्यूक्लियस की क्या निकली बच्चों, 10^-15 मीटर। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपके पास क्रिकेट बॉल होती है ना बच्चों, तो क्रिकेट बॉल छोटी सी हो गई हमारे पास और उसके अराउंड 5 किलोमीटर एरिया में एटम है पूरा, 5 किलोमीटर, समझ लो 5 किलोमीटर कितना बड़ा हो गया बच्चों। तो इसी तरीके से तो रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10^-10 मीटर वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10^-15 मीटर, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन मूव इन द सर्कुलर पाथ ऑफ द फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड द ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सर्कुलर पाथ पे फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट, तो क्या उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था? नहीं, उन्होंने ये जरूर बोल दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड है ना, जिसको उन्होंने ऑर्बिट बोला था, बट इसके बारे में ये नहीं बताया था कि इसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, फिक्स्ड रेडियस होती है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया था उन्होंने, तो बस बोल दिया था। और बाद में ये भी स्टेट कर दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा और एट द टाइम ऑफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा है ना, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा तो भाई एक दिन क्या होगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा, तो एटम की स्टेबिलिटी वो एक्सप्लेन नहीं हो रही थी इस चीज से। तो इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ द फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड द ऑर्बिट, ये रदरफोर्ड का स्टेटमेंट नहीं था, ये बोहर ने दिया था। तो यही स्टेटमेंट किससे निकले, किससे नहीं निकला है बच्चों, रदरफोर्ड से। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा आंसर में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन्होंने ये स्टेट तो कर दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है एंड जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये उससे कंक्लूजन निकलता है। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, जो कि इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ड्राइव नहीं हुआ है, तो वही है ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू।